नमस्कार, स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। मैं हूं आपके साथ गुलविश। एक बार फिर हाजिर हूं आपकी कुंडली में, जिसमें हम बात करते हैं आपके राशिफल की, ताकि आप अपने सप्ताह को अच्छे से प्लान कर लें कि क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ गए हैं, देव शंकर शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि इस हफ्ते आपका राशिफल क्या कहता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो हम राशिवार तरीके से जानेंगे तमाम राशियों का ये पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है, लेकिन पहले आचार्य जी ये बता दीजिए कि संवत जो बदला है उसका क्या इफेक्ट रहेगा, क्या कुछ खास राशियों पे ये असर इस बार हम देखेंगे। नव संवत, जब नया संवत प्रारंभ होता है तो हर राशियों पे एक अलग अलग प्रभाव जो है मिलता है, और इनके अलग प्रभाव मिलने से राशियों पे तरक्की मिलती है, उन्नति मिलती है। संवत बदलने से क्या उपाय करना चाहिए और पूरे साल इसका क्या प्रभाव रहता है, वो मैं कहने जा रहा हूँ। उन चीज़ों का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है, और नया संवत प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो मेष राशि से मीन राशि वालों तक का समय 2024 जो नव संवत प्रारंभ हुआ है, बहुत तरह के फायदे रहेंगे और बहुत तरह के योग अच्छे हैं। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में थोड़ी समस्याएं आ सकती है, उतराव चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो जिसमें विशेष तौर पे व्यापार को ध्यान में रखते हुए व्यापार को करें, क्योंकि जो ये संवत प्रारंभ हुआ है इसमें बहुत तरह के उतराव चढ़ाव आएगा और बहुत तरह के चीज दिखेगा, तो इसलिए अपने आप को खूब अच्छे से व्यापार करिए। व्यापार में दिक्कत कहीं भी नहीं है, लेकिन ध्यान रख करके व्यापार करेंगे तो उसमें आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि जो नया संवत प्रारंभ हुआ है इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के और मीन राशि वालों तक का जो है सो मिलने वाला है। तो चलिए संवत के बारे में बता दिया है, अब बताइए कि मेष राशि इन उनके लिए ये जो पूरा हफ्ता है कैसा रहेगा आचार्य जी। तो सबसे पहले मैं मेष राशि वालों का कहना चाहूँगा, मेष राशि वालों के लिए 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का सप्ताह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी हड़बड़ी रहेगी, कोई भी काम ज़्यादा जल्दबाजी में ना करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक रहेगा आपके जीवन में। पारिवारिक को लेकर के समय, परिवार में समय दें और अपने आप को बहुत तरह के चीज़ों को बचा करके मेष राशि वाले अपने कार्य को करें। अगर नौकरी व्यवसाय करते हैं तो दोनों चीज़ को विशेष तौर पे आप ध्यान रख करके ये सप्ताह काम करिएगा। अप्रैल का आखिरी सप्ताह है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर भी मेष राशि वाले अगर अपने आप को इस सप्ताह बहुत मजबूत करके चलना चाहते हैं, जो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, तो अपने घर के ईशान कोण में, देखिए जो मैं उपाय बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण उपाय सब है, जिसको करने से आपके परिवार में और आपके जीवन में, आपके नौकरी व्यवसाय में बहुत अच्छी तरक्की रहेगी। ईशान कोण में कपूर जलाएं, शाम के समय आपको लाभ मिलेगा। ईशान कोण से आपको बहुत तरह की एनर्जी मिलती है और ईशान कोण में देवताओं का वास होता है और ईशान कोण से माँ लक्ष्मी की आवन होती है। तो मेष राशि वाले मैं ये कहना चाहूँगा, ये सप्ताह अगर इस तरह के आप उपाय करते हैं तो जो दिक्कत भी थी वो दूर हो जाएगी और बहुत तरह के आपको फायदे होंगे, लाभ मिलेंगे और आपके जीवन में बहुत तरह की सुख शांति बना रहेगा। बिल्कुल, तो आपको कपूर जलाना है, वो भी ईशान कोण पर, जो कि आपको आचार्य जी ने बताया। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, वृषभ राशि जिनकी ये राशि है वो किन किन बातों का ध्यान रखे, उनके लिए हफ्ता आप कैसा देख रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का जो समय, सुखद समाचार मिलने की उम्मीद कर सकते हैं आप। यदि किसी नई परियोजनाओं की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नौकरी व्यवसाय में पैसे वाले जातक भी अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, आपका प्रदर्शन बहुत बेहतर कर सकते हैं आप। और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनने की परिपूर्ण आवश्यकता है, और अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो परिवार के अंदर में किसी छोटी मोटी बातों पे वृषभ राशि वाले बात विवाद हो सकता है, क्योंकि शुक्र आपका बदला है, तो शुक्र बदला है तो बदलने से छोटी मोटी चीज़ों की ध्यान रखने वाली बात है, तो अगर आप ध्यान रखते हैं तो परिवार में भी
किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर अपने आप को और ये सप्ताह वृषभ राशि वाले मजबूत करना चाहते हैं तो उपाय, अपनी दाहिने जेब में हमेशा छोटा सा चांदी का टुकड़ा रख लीजिए या चांदी का सिक्का रखें, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा और आय की जो साधन है वो आपके बहुत अच्छा बना रहेगा और जीवन साथी के साथ आपका जो संबंध है वो भी बहुत बहुत मधुर रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। और वृषभ राशि वाले, और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो अगर रिलेशनशिप में कोई तकरार चल रहा था या कोई दिक्कत चल रही थी बहुत दिनों से, तो इस सप्ताह के अंदर में जो उपाय मैंने आपको बताया है वृषभ राशि वाले, ये उपाय आप करते हैं तो प्यार प्रेम में भी एक अच्छी मजबूती आपको मिलेगी और उसका मैसेज भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जी, जो कि बता रहे हैं आचार्य जी, वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए अच्छा ही है हफ्ता, और जो थोड़ी बहुत ध्यान रखना है चीज़ों का वो आपको बता दिया गया है। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, मिथुन राशि के जातक, इनके लिए आप क्या संदेश लेकर आए हैं? ये सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत व्यस्त रहेगा। अपनी सेहत के प्रति सेहत ध्यान रखें, कोई विशेष निर्णय हो तो सप्ताह के प्रारंभ में ही ले लें, नहीं तो आगे चल के लेंगे तो थोड़ा दिक्कत रहेगा। और बेहतर होगा व्यापार में इस सप्ताह वृद्धि आपको मिलेगी। और अपने जीवन के अंदर में मिथुन राशि वाले, आपके राशि के स्वामी बुध है, विशेष तौर पे अगर आप कोई काम करते हैं तो आप अपने दिमाग पे ज़्यादा बोझ नहीं डालें, ज़्यादा चिंता नहीं करें। अगर ज़्यादा चिंता करेंगे तो कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको परेशानी मिल जाएगी, इसलिए अपने आप को चिंता मुक्त होकर के आप काम करें। और अपने आप को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो ये सप्ताह प्रत्येक दिन लाल चंदन और केसर का तिलक लगाएं, जो आपके बुद्धि और आपके मस्तिष्क की जो वातावरण है वो बहुत अच्छा मजबूत बना रहे। और ये सप्ताह में अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो दूर हो जाएगी आपके लिए और बहुत अच्छा सप्ताह आपके लिए निकल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं केसर और चंदन के तिलक की, आपने जिक्र किया है चारे जी, तो क्या इसके फायदे होते हैं? और जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जो केसर का जो तिलक है, जो चंदन है, केसर के तिलक लगाने से, केसर में सूर्य का प्रतीक होता है। मान लीजिए सिर में दर्द है, बहुत दिनों से कोई परेशानी चल रही हो या मन किसी भी काम में नहीं लगता हो, तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है जो केसर का तिलक अगर आप लगाते हैं तो केसर का तिलक लगाने से आपकी बुद्धि ठीक रहेगी, आप कार्य क्षेत्र में अच्छे से काम कर पाएंगे। और अगर कोई भी काम आप कर रहे हो तो आपका मन नहीं भटकेगा, केसर की तिलक लगाने से आपके जीवन में बहुत तरह के शांति मिलेगी, मन बहुत शांत रहेगा आपका। इसलिए किसी भी जातक को, कोई ज़रूरी नहीं है गुलवीर जी जो मेष राशि या कर्क राशि या वृक राशि या मिथुन राशि इत्यादि को लगाना चाहिए, केसर के तिलक सूर्य का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक माना गया है। तो केसर का तिलक अगर कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति लगाते हैं तो उसके जीवन में और बहुत बुद्धियों में परिवर्तन मिलेगा और बहुत तरह के मन शांत रहेगा, कोई भी काम करेंगे तो उसमें एक अच्छी सफलता आपको मिलेगी, इसलिए केसर का तिलक लगाना चाहिए। और मान लीजिए कोई शत्रु भी आप पे प्रबल हो रखा है या कोई दिक्कत परेशानी आने वाली थी, तो केसर का तिलक लगाने से न शत्रु आपको कोई आघात दे पाएगा, न कोई परेशानी आपके जीवन में आएगी। इसलिए किसी भी जातक को केसर का तिलक लगाना चाहिए, इससे बहुत फायदे मिलते हैं, बहुत तरह के लाभ मिलता है। जी, चलिए आचार्य जी आगे बढ़ेंगे, अगली राशि की बात करेंगे, कर्क राशि। इनके जातकों के लिए आपकी क्या राय है, इस बार इनका हफ्ता कैसा रहने वाला है? जी, मैं कहना चाहूँगा कर्क राशि वालों के लिए 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का सप्ताह खुशियों से भरा रहेगा, धन में वृद्धि होगी, नौकरी व्यवसाय में आपका प्रयास सफल रहेगा, कुछ नए अवसर भी इस सप्ताह आपको मिल सकते हैं, पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। और अपने आप को कर्क राशि वाले, देखिए आपके राशि का जो चंद्रमा स्वामी है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा क्या है, मन का मालिक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप कर्क राशि वाले अपने मन को भटकने ना दें और अपने क्रोध पे ज़्यादातर नियंत्रण रखें
और किसी भी काम को जल्दबाजी न करें। ये सप्ताह अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आपके जीवन में बहुत तरह के फायदेमंद तो मैंने आपको बता दिया, और ऐसे निरंतर रख करके अगर आप काम करते हैं तो और फायदा आपको मिलेगा। फिर भी कोई उपाय करना चाहते हैं तो सफ़ेद पुष्प की लरी बना करके मुख्य द्वार पे आप टांग दें। तो अगर आप मुख्य द्वार पे टांगते हैं, लटका के रखते हैं, तो आपको बहुत तरह के लाभ मिलेगा कर्क राशि वाले। बिल्कुल, तो आपके लिए जो उपाय है बहुत ही सिंपल सा ये उपाय है। आगे बढ़ेंगे सिंह राशि। आचार्य जी, सिंह राशि वालों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या इस सप्ताह उनके जो रुके हुए काम हैं वो पूरे हो पाएंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। ये समय आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली रहेगा। कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक हिस्सा लेंगे आप, जिससे आपके जीवन में लाभ मिलेगा। अपने मित्रों के साथ समय भी व्यतीत करेंगे आप, और अगर तनावग्रस्त में चल रहे थे तो उससे भी आप मुक्त होंगे। और सिंह राशि के जो स्वामी है वो सूर्य है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो काफ़ी दिनों से मैं देखता आ रहा हूँ, जो कई बार कई सप्ताह आपके जीवन में अच्छे प्राप्त हो लेता है, और कई सप्ताह ऐसे निकले हैं जो परेशानी भरा रहता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा मन को स्थिर करके, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी है वो सूर्य है, तो मन को स्थिर करके अगर कोई काम काज आप करते हैं सिंह राशि वाले, तो आपके जीवन में ये सप्ताह आगे भी बहुत बेहतर रहेगा। फिर भी अपने आप को कोई उपाय करके अपने आप को मजबूती करना चाहते हैं सिंह राशि वाले, तो पीपल के पेड़ से लाल पत्ते तोड़ करके, देखिए मैं बहुत ही सुंदर उपाय बताने जा रहा हूँ, ये किसी भी प्रकार की, सुनिएगा, कोई भी जातक अगर ये करता है तो बहुत फायदा रहता है उसको। पीपल के पेड़ में हरे पत्ते भी होते हैं, और जब पत्ता सूखने लगता है तो लाल भी हो जाता है, तो पीपल के पत्ते पेड़ में से लाल पत्ते तोड़ करके जल में डालें, और उससे अगर आप स्नान करते हैं तो मान लीजिए शारीरिक कोई समस्या थी, या सिर में बहुत दिनों से दर्द चल रहा था, या कोई दिक्कत या परेशानी चल रही थी नौकरी या व्यवसाय के अंदर में बहुत दिनों से, तो मैं ये कहना चाहूँगा सिंह राशि वाले, अगर आप स्नान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और सप्ताह तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, आगे भी चल करके आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पे आचार्य जी जो आपने बताया है उपाय, उससे कहीं ना कहीं मन भी शांत होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। चलिए आगे बढ़ेंगे कन्या राशि, इनके लिए आप क्या संदेश लेकर आए हैं? कन्या राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, इस राशि वालों के लिए 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक के सप्ताह में आपको स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखना होगा। खान पान का ध्यान दें, बाहर के कोई भी वस्तु खाते हैं तो उस पर थोड़ा परहेज करें। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आलस भर सकते हैं, आलस को बचाव करके रखें, आलस ना होने दें। मन को एकाग्र रखने की आपको आवश्यकता है, व्यर्थ की जो है सो भाग दौड़ से बचें, और अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई खराब सोच आता है तो उस पर आप नियंत्रण रखें, ज़्यादा परेशान ना रहें, नहीं तो रहने की संभावना आपको बना सकता है। मन को एकाग्र करके रखने की आपको आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि मन भटक सकता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा और बुध दोनों का जब संवत बदला है, तो चंद्रमा और बुध का दोनों का युति बैठा है, जिसके कारण आपका मन भटक सकता है, तो आप अपने आप को विशेष तौर पे, मैं ये कहना चाहूँगा, जो ध्यान रखिए। और अगर इस सप्ताह अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आपको लाभ मिलेगा, और सप्ताह भी अच्छा निकलेगा, आगे भी आपके लिए अच्छा निकलेगा कन्या राशि वाले। बिल्कुल, तो सप्ताह आपके लिए अच्छा है, और क्या उपाय करने हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली राशि का नंबर है तुला राशि। इसके जातकों के लिए आपका क्या राय है आचार्य जी, कैसा रहेगा उनका ये पूरा सप्ताह? तुला राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, करियर के हिसाब से इस सप्ताह आप कोई निर्णय बड़ा ले सकते हैं, मेहनत ज़्यादा करेंगे और उनकी अपेक्षा आपको फल कम मिलेगा। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ने की योग है,
प्रेम संबंधों में समय निकाल करके साथी के साथ समय बिताएं अपना, और अपने आप को बहुत तरह के विशेष तौर पे ध्यान करते हुए इस सप्ताह अगर आप अपने आप को मजबूत करके चलते हैं तो आपके राशि के स्वामी शुक्र है। शुक्र कई बार क्या करता है, मन को भटका देता है। तो मैं तुला राशि वाले को लिए कहना चाहूँगा, जो मन को भटकने ना दें और अपने आप को निरंतर रखते हुए अपने कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पे ध्यान लगा करके आप रखेंगे तो तुला राशि वालों के लिए बहुत फायदा रहेगा। फिर भी ये सप्ताह अगर कोई उपाय करना चाहते हैं तो केले के पेड़ की पूजा करें तो आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो उपाय भी बहुत आसान है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। आचार्य जी, चलिए अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए यह हफ्ता आप कैसा देख रहे हैं, अच्छा रहेगा या थोड़ा नॉर्मल रहेगा, क्या कर रहे हैं? 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का सप्ताह आपके लिए सफल रहेगा वृश्चिक राशि वालों, लेकिन सफलता कई बार आप में अहंकार ले आता है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल स्ट्रांग होने के कारण आप में अहंकार आ जाता है, ईगोपन जो है आप में विशेष देखने को मिलेगा। इसलिए उस अहंकार से आप अपने आप को बचाव करके रखिए, किसी भी काम को जल्दबाजी ना करें, उससे अपने आप को बचाइए। कार्यस्थल में, परिवार में और अन्य जगहों पर आपके अनुकूल परिणाम मिलेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो जितना स्थिर होकर के आप वृश्चिक राशि वाले अगर काम करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए उतना सफलतादायक रहेगा, उतना आपके जीवन के अंदर में तरक्की रहेगी। और अगर कोई उपाय करना चाहते हैं आप, तो एक लोटा जल भर के अपने घर के मंदिर में रखिए, जिससे कि आपको जल भरने से लक्ष्मी जी का विशेष कृपा आप पे बनेगा, और जो आपके अंदर में जो ईगोपन आ जाता है वो भी शांत रहेगा, और कार्य क्षेत्र में भी एक अच्छी सफलता आपको मिलेगी ऐसे उपाय करने से वृश्चिक राशि वाले। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली राशि है धनु राशि। इनके लिए आपको क्या लगता है, कैसा इनका हफ्ता रहने वाला है? क्या पिछले कई हफ्ते से इनका जो समय है अच्छा ही चल रहा है, इस बार क्या कहेंगे आप? धनु राशि वालों के लिए 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का समय अनुकूल होगा। व्यावसायिक स्तर पर नए कार्य से जुड़े रहेंगे आप। स्वास्थ्य भी पहले से आपका खराब चल रहा था तो बेहतर होगा आपका। किसी बेकार के बाद विवाद में ना उलझें, साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा आपका। और मैं ये कहना चाहूँगा धनु राशि वालों के लिए, जीवन में देखिए आपके राशि की जो स्वामी है वो गुरु है, बृहस्पति है, और गुरु हमेशा एक अच्छा फल देता है, और गुरु कई बार पाप ग्रह के साथ में जुड़ भी जाता है तब भी गुरु एक अच्छे फल का संकेत बना करके रखता है और जीवन में तरक्की देता है। तो धनु राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो आप अपने गुरु का भी सेवा करिए, मंदिर अगर आप जाते हैं तो भगवान का भी सेवा करिए, और अपने आप को बहुत तरह के मजबूती ला करके अपने जीवन को अच्छे से बिता करके चलना चाहते हैं तो भगवत गीता का पाठ करिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम का जाप करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा धनु राशि वाले। और जीवन में कोई भी आपको कठिनाई आती है तो इस तरह के कभी भी आप उपाय करते हैं इस सप्ताह में तो है ही आपके साथ में, आगे भी ये उपाय को अगर आप जारी रखते हो तो धनु राशि वाले आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल, तो आपके लिए बेहतर ही समय है पिछले कई हफ्तों की तरह। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, मकर राशि। इनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या इनको किन किन कुछ चीजों का ध्यान रखना है या बहुत अच्छा समय है? जी, मैं कहूँगा मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह आप अपनी भावनाओं में सकारात्मक परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। यदि बीते समय से भागदौड़ लगी थी तो इस सप्ताह आपको राहत मिलेगा। अपने परिजनों के साथ वक्त बिताएंगे आप, मन में बहुत खुशी मिलेगी। काम का बोझ आपके ऊपर बहुत था, ये सप्ताह आपके काम का बोझ हल्का रहेगा, कम रहेगा। और मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है, और शनि का प्रभाव आपके नया संवत जो प्रारंभ हुआ है मकर राशि वाले,
कई सप्ताह से आपको कई बार अच्छा मिला, कई बार खराब मिला, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो नया संवत जो प्रारंभ हुआ है वो आपके राशि के लिए बहुत फलदायक है, अच्छे हैं। आप अपने मन को और काम में जितना निरंतर करके आप काम करेंगे उतनी एक अच्छी सफलता आपको मिलेगी मकर राशि वाले। फिर भी ये सप्ताह अगर आप अपने आप को और मजबूत करना चाहते हैं तो भगवान शनि देव की शनि चालीसा की पाठ करिए, शनि स्तोत्र की पाठ करिए और शनि देव के मंदिर में जा कर के आप तेल की 8 दीपक जलाइए, 8 दीपक गिन करके जलाइए, क्योंकि 8वां अंक जो है वो शनि का है और 8 दीपक अगर आप जलाते हैं तो बहुत दिनों से जो काम आपका अटक रहा था मकर राशि वाले, ये सप्ताह अगर इस तरह के उपाय आप करते हो तो काम आपका सिद्ध हो जाएगा, बनेगा, लाभ मिलेगा और मन में बहुत तरह के खुशी मिलेगी। बिल्कुल, तो काम बनने चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, थोड़ी बहुत परेशानियां तो आती हैं लेकिन उसके बावजूद भी मुश्किल समय निकलना चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए, यही हमारी कोशिश है। आचार्य जी, दो राशियां बची हैं, कुंभ और मीन, तो हम पहले कुंभ राशि को लेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का सप्ताह थोड़ा मध्यम है, बहुत दिनों से अच्छा चल रहा था, थोड़ा ये सप्ताह मध्यम है। क्रोध आपके ज़्यादा आ सकता है तो क्रोध पे आप नियंत्रण रखिए, अपने क्रोध को बढ़ने नहीं दीजिएगा। क्रोध के कारण कुंभ राशि वाले अगर आपके अकाउंट में भी पैसा रखा है, घर में रखा है, जेब में पैसे रखे हुए हैं तो पैसे आपके लॉस में जा सकता है। क्रोध के कारण बहुत तरह का आपका नुकसान हो सकता है कुंभ राशि वाले, तो मैं ये कहना चाहूँगा जो ये सप्ताह है कुछ ग्रह का युति ऐसा बैठा हुआ है जिसके कारण आय के साधन आपका मजबूत रहेगा लेकिन धन बहने का साधन ज़्यादा बन जाएगा, तो अपने क्रोध पे नियंत्रण करके रखें। और मैं ये कहना चाहूँगा अपने वाणी पे भी नियंत्रण रखिए, वाणी को खराब मत करिएगा, कोई अपशब्द शब्द मत प्रयोग करिएगा जिसके कारण आपको नुकसान हो, आपका काम बिगड़ सकता है। फिर भी मैं कुंभ राशि वाले आपको कहना चाहूँगा ये सप्ताह जो अपने आप को अगर मजबूत करके आप चलते हैं तो लोहे का कड़ा आता है या तो वो पहन लीजिए, हाथ में पहन के रखिए, या नहीं तो लोहे का छल्ला आता है, क्योंकि आपके राशि का भी स्वामी शनि है और शनि आपके 8वें स्थान पे बैठा हुआ है, तो अगर लोहे का छल्ला सीधे हाथ के उंगली में, बड़ी उंगली में अगर आप डाल करके पहनते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आगे भी अच्छा ये आपका समय बीतता रहेगा कुंभ राशि वाले। तो अपने आप को क्रोध पे, वाणी पे बचाव करके चलें और इस तरह के उपाय करिए, जीवन में तरक्की मिलेगा, उन्नति मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये तो बहुत ही, देखिए आचार्य जी, बहुत ये सभी पे लागू होता है कि क्रोध पे कंट्रोल रखना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है, गुस्सा आ जाए तो चुप हो जाना है कुछ समय के लिए, लेकिन ये चीज़ें सभी के लिए अच्छी हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली राशि की बात करेंगे, आखिरी राशि की बात करेंगे, मीन राशि, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी, मीन राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। यदि किसी पारिवारिक उलझन में फंसे हैं आप तो इस सप्ताह समस्याएं आपकी हल हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में भी लाभ होगा इस सप्ताह, कार्य के अंत में बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे और पारिवारिक माहौल भी बहुत सुखद रहेगा। मीन राशि के जो स्वामी है वो बृहस्पति है, गुरु है। मैं कहना चाहूँगा मीन राशि वालों के लिए, मान लीजिए काफ़ी सप्ताह से मैं देखता आ रहा हूँ बहुत तरह के अच्छे समय मिले हैं और जो 2024 प्रारंभ हुआ है मीन राशि वालों के लिए, देखिए कई बार शनि का प्रभाव बहुत चल रहा था जिसके कारण मीन राशि वालों के लिए भी दिक्कत परेशानी उठानी पड़ी थी 2022 में, 2023 में, लेकिन जो 2024 प्रारंभ हुआ है इसमें मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय प्रारंभ हुआ है। कुछ सप्ताह ऐसा देखने को मिला है जिसमें थोड़ी परेशानी रही है लेकिन आपके जीवन में बहुत तरह की तरक्की रहेगी, आपके जीवन में बहुत तरह की उन्नति रहेगी। आप जितने सूझबूझ करके अपने कार्य को आप करोगे तो आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी और दूसरा आप अपने मन को बिल्कुल शांत करके रखिए, क्योंकि मन के अंदर में मीन राशि वालों के लिए बहुत तरह के बात जो है सो उत्पन्न होने लगता है, होता रहता है,
बहुत सोचनीय दिमाग हो जाता है, कई बार छोटी छोटी चीज को लेकर के परेशान हम हो जाते हैं। तो आप अपने आप को परेशान मत करिए मीन राशि वाले। अगर आप अपने आप को विशेष तौर पे ध्यान करके आप चलते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा बहुत अच्छा समय आपका बीतेगा। ये सप्ताह तो बीतेगा ही, आगे भी बीतेगा। फिर भी कोई उपाय करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहन करके मंदिर में घी का दीपक जलाएं और पूजा पाठ करिए भगवान जी का। मंदिर में जा करके प्रणाम करिए और अपने माता पिता का सेवा करिए, जिससे कि आपके जीवन में बहुत तरह की तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी, लाभ मिलेगा और मीन राशि वालों के लिए बहुत सुखद रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर पूरे सिलसिलेवार तरीके से सारी राशियों को हमने बताया है कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। नमस्कार, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू। तो अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे आपकी कुंडली के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।